जानते हैं साक्षी मलिक के बारे में, ये कौन है? तो ये एक रेसलर है, ठीक है। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो हरियाणा से बिलोंग करती है, हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ये आती है, ठीक है। और ये कौन है? तो ये एक रेसलर है, साक्षी मलिक। हर फादर इज अ बस कंडक्टर एंड मदर अ सुपरवाइजर एट अ लोकल आंगनबाड़ी, ठीक है। और इसके पापा जो थे वो बस कंडक्टर थे और उसकी जो मम्मी है वो सुपरवाइजर है, कहाँ पे? आंगनबाड़ी में, ठीक है। शी बिगेन ट्रेनिंग इन रेसलिंग एट द एज ऑफ 12 अंडर अ कोच ईश्वर दहिया एट एन अखाड़ा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। और रोहतक के छोटू राम स्टेडियम में के अखाड़ा में उन्होंने जो है कोचिंग अपना लिया था, वहीं पे उन्होंने सीखा था, जिस उसके कोच का नाम था ईश्वर दहिया और एज उनकी हो रही थी उस समय 12, ठीक है। एट द एज 2016 समर ओलंपिक्स शी वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 58 kg कैटेगरी एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एंड द 4th फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम द कंट्री। और वो 2016 का जो समर ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 58 kg के कैटेगरी में, और वो भारत की पहली महिला रेसलर बनी थी जिन्होंने कि मेडल जीता था, और वो चौथी महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल किया था देश की तरफ से, ठीक है। मलिक इज करेंटली एम्प्लॉयड विथ इंडियन रेलवे इन द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ इट्स दिल्ली डिवीज़न। और वो दिल्ली डिवीज़न में अभी क्या करती है? इंडियन रेलवे में वो अभी काम करती है, इंडियन रेलवे से वो जुड़ी हुई है, ठीक है। इन द नॉर्थर्न रेलवे एंड इज़ अ पार्ट ऑफ JSW स्पोर्ट्स चैलेंज प्रोग्राम। सी रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2016, और उनको 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं फोगाट सिस्टर्स के बारे में। ये कौन है? तो रेसलर है। आप लोगों ने दंगल पिक्चर देखा होगा, वो जो दंगल पिक्चर है वो इनके ही लाइफ की स्टोरी बताती है, ठीक है। उनमें इसी फोगाट सिस्टर के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं फोगाट सिस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ये कौन है? ये भी रेसलर है, ये जो बहनें थी ये भी रेसलर थी, ठीक है। द फोगाट सिस्टर्स आर 6 सिस्टर्स फ्रॉम हरियाणा। ये जो है 6 बहनें थी ये लोग, ठीक है। कहाँ से थी? तो ये लोग हरियाणा से थी। ऑल ऑफ देम आर रेसलर, और सभी के सभी वो लोग जो थी रेसलर थी, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ देयर नेम आर गीता बबीता प्रियंका। उनकी यहाँ पे जन्म तिथि के अनुसार जो है यहाँ पे उनके नाम बताए गए हैं, गीता बबीता प्रियंका रितु विनेश एंड संगीता, ठीक है। ये 6 बहनें थी। वाइल गीता बबीता रितु एंड संगीता आर डॉटर्स ऑफ फॉर्मर रेसलर एंड कोच महावीर सिंह फोगाट, ठीक है। महावीर सिंह फोगाट जो कि कोच थे रेसलर के, रेसलिंग सिखाते थे वो, तो उनकी ही ये चारों बेटियां थी, ठीक है। प्रियंका एंड विनेश वेयर ब्राउट अप बाय महावीर आफ्टर देयर फादर हु वाज द ब्रदर ऑफ महावीर वाज किल्ड इन अ डिस्प्यूट। और जो ये प्रियंका और क्या नाम था इसका, प्रियंका एंड विनेश, ठीक है, ये जो थी उन जो कोच थे उसके महावीर, उनके जो भाई की लड़की थी ये लोग, और झगड़े में उसके पिता मारे गए थे, इसलिए शायद उन्होंने उस लोग को भी मतलब कि अपनी बेटी की तरह पाला होगा, ठीक है। और ये 6 को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, महावीर ने ही ट्रेनिंग दिया। महावीर ट्रेन्ड ऑल 6 ऑफ देम इन रेसलिंग इन देयर होम विलेज ऑफ बलाली इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बलाली गांव में उन्होंने उन लोग 6 को जो है ट्रेनिंग दिया था, यानी उनके कोच जो है उनके पापा ही रहे थे, महावीर नाम था उनका, ठीक है, महावीर सिंह फोगाट। आप लोगों ने दंगल पिक्चर अगर देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी उसके पापा यानी कि जो आमिर खान ने उनके पापा का रोल किया है उसमें, तो वो उसको खुद ही ट्रेनिंग देते हैं और वो एक कोच थे, ठीक है। 3 ऑफ द फोगाट सिस्टर्स गीता बबीता एंड विनेश आर गोल्ड मेडलिस्ट इन डिफरेंट वेट कैटेगरीज एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, वाइल प्रियंका हैज़ वॉन अ सिल्वर मेडल इन द एशियन चैम्पियनशिप, ठीक है। और गीता बबीता विनेश ये लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है, आपको इसमें कॉमनवेल्थ गेम में मिला था, ठीक है। और प्रियंका जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन चैम्पियनशिप में। रितु इज अ नेशनल चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट एंड संगीता हैज़ वॉन मेडल्स एट एज लेवल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, ठीक है। रितु जो है वो राष्ट्रीय स्तर में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द फोगाट सिस्टर्स आर अट्रैक्टेड सब्सटेंशियल मीडिया अटेंशन पार्टिकुलरली ड्यू टू द प्रीवेलेंट सोशल इशूज इन हरियाणा सच एज जेंडर इनइक्वालिटी फीमेल
फोर्टिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। और इन जो बहनों ने जो अचीवमेंट हासिल किया, तो इनकी जो अचीवमेंट है वो खास करके लोगों का ध्यान इसलिए खींचती हैं क्योंकि ये जिस जगह से बिलोंग करती है, मतलब हरियाणा के जिस हरियाणा जैसे जो जगह से बिलोंग करती है, तो उस जगह पे मतलब कि जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब लिंग में भेद किया जाता है, मतलब कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती, इस टाइप की वहाँ पर सोच वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और उन क्षेत्र से निकल करके उन्होंने जो है इस तरह की अचीवमेंट पाई है, तो इसलिए ये अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। और जहाँ पे जो है बाल विवाह का भी प्रचलन है वहाँ पे, कि छोटे में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो इसलिए वैसे जगह से निकल कर इन लोगों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट पाई है, तो ये अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। इसलिए इन लोगों की जो उपलब्धि है उसने सबका ध्यान बहुत ज़्यादा खींचा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं दीपा कर्माकर के बारे में। ये एक जिमनास्ट है। दीपा कर्माकर इज एन आर्टिस्ट जिमनास्ट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 2016 समर ओलंपिक। समर ओलंपिक में 2016 के समर ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जिमनास्ट में, ठीक है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट एवर टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स। शी अटेंड फोर्थ पोजिशन इन वुमेंस वॉल्ट जिमनास्टिक इवेंट ऑफ रियो ओलंपिक 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। विथ एन ओवरऑल स्कोर ऑफ इतना जो इस मतलब कि 15.066 ये जो स्कोर है उन्होंने प्राप्त किया था। शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट टू डू सो इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स, ठीक है। और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2014 में, ठीक है। और शी वॉन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड इवेंट ऑफ FIG आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप एट मर्सिन टर्की इन जुलाई 2018। और जुलाई 2018 में टर्की के मर्सिन में हुआ था क्या, वर्ल्ड चैलेंज कप, ठीक है। FIG आर्टिस्टिक जिमनास्ट वर्ल्ड चैलेंज कप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। कर्माकर इज वन अमॉन्ग द 5 वुमेन हु हैज सक्सेसफुली लैंडेड द प्रोद्युनोवा, विच इज रिगार्डेड एट द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ल्ड करेंटली परफॉर्म्ड इन वुमेंस जिमनास्टिक। और ये काफ़ी मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट गेम होता होगा, ठीक है, उसमें उन्होंने सक्सेस पाया। सी ऑल्सो वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन जिमनास्टिक, और एशियन जिमनास्टिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। चैंपियनशिप एंड फिनिश्ड 5th एट द 2015 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप, बोथ फर्स्ट ऑफ हर कंट्री फॉर हर कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन रियो ओलंपिक 2016। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड अपन हर द खेल रत्न अवार्ड इन अगस्त 2016। और अगस्त 2016 में उनको रियो ओलंपिक 2016 में जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की थी, इसके लिए उनको भारत सरकार की तरफ से जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, कब, 2016 में, ठीक ना। उसके बाद देखिए दीपा मलिक के बारे में जानते हैं हम लोग। ये शॉर्ट पुट थ्रोअर है, ठीक है। तो दीपा मलिक इज एन इंडियन एथलीट फ्रॉम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। ये भी ये हरियाणा से है पर डिस्ट्रिक्ट इनका अलग है, वो लोग रोहतक की थी, ये सोनीपत से है, ठीक है। और ये क्या है, शॉर्ट पुट थ्रोअर है। दीपा यूज टू गेट पैरालिटिक शॉक्स सिंस शी वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, और जब वो 8 साल की थी तभी से उनको पैरालिटिक शॉक्स वो यूज़ करती थी, ठीक है, मतलब कि वो पैरालाइज थी। दैट डिडेंट मेक एनी डिफरेंस इन हर लाइफ, पर इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में जो है कोई अंतर नहीं पड़ा। एट द एज ऑफ 26 ही वॉज डायग्नोस्ड विथ स्पाइनल ट्यूमर एंड हैड गोन थ्रू अ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी, और 26 साल की उम्र में उनका स्पाइनल ट्यूमर हुआ था जिसके लिए उनका सर्जरी भी हुआ था। सी वॉज आस्ट वेदर टू चूज पैरालिसिस और डेथ आफ्टर द स्पाइनल ट्यूमर वॉज डिटेक्टेड एंड सी चूज लाइफ, और जो स्पाइनल ट्यूमर जो उनको हुआ था उसके बाद जो सर्जरी हुई इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चुना। सिंस देन सी इज पैरालाइज्ड फ्रॉम वेस्ट टू बॉटम, और उसके बाद से जो है उनका कमर के नीचे का पूरा भाग जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, ठीक है। दीपा हैज़ वन टोटल 13 इंटरनेशनल मेडल्स, 47 नेशनल गोल्ड मेडल्स, 5 नेशनल एंड स्टेट लेवल सिल्वर मेडल्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल इन हर लाइफ अलॉन्ग विथ इननंबरेबल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड, और उन्होंने विभिन्न खेल क्षेत्र से इतने सारे पुरस्कार जो जीते हैं, 13 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, 47 नेशनल गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 नेशनल और यहाँ पे फिर 2 ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने जीते हैं, ठीक है।
शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स एंड वोन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक इन द शॉर्ट पुट. ठीक है, और वो जो है भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पैरालंपिक गेम में जो है मेडल जीता. ठीक है, पैरालंपिक जो गेम होता है वो देखिए विकलांग लोगों के लिए होता है. ठीक है, उसमें विकलांग लोग ही पार्ट लेते हैं. ठीक है, और उसमें इन्होंने मतलब कि ये पहली महिला रही है जिन्होंने पैरालंपिक गेम में जीता है. ठीक है, सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक इन द शॉर्ट पुट, और शॉर्ट पुट में उन्होंने पैरालंपिक गेम में ही उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है. ठीक है, शी वाज ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन 2012 एट द एज ऑफ 42, और 42 साल की उम्र में उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला है. ठीक है, अपार्ट दिस प्लेयर्स देयर आर अदर प्लेयर टू हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन इंडिविजुअल डबल स्पोर्ट्स इवेंट लाइक तानिया सचदेव. ठीक है, हम लोगों ने जितने सारे प्लेयर्स देखे लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्लेयर्स हैं, जैसे कि तानिया सचदेव इन चेस, ये चेस खेलती है यानी कि शतरंज खेलती है, शतरंज की खिलाड़ी है तानिया सचदेव. अंजलि भागवत इन शूटिंग, ये शूट करती है. ठीक है, शूटिंग की प्लेयर है. ज्योत्सना चिनप्पा इज इन स्क्वैश. हीना सिंधु इन शूटिंग. ललिता बाबर इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. दीज आर मैनी अदर स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव एक्सेल्ड इन टीम स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड कबड्डी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि विभिन्न प्रकार के खेल खेलती हैं. ठीक है, और वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है, मिताली राज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम रन इन एंड टेस्ट इनिंग एंड ओनली द सेकेंड पर्सन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू मेक मोर देन 5000 रन इन ODI. ठीक है, और मिताली राज जो कि क्या है, ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है. ठीक है, और इन्होंने भी जो है अपना रिकॉर्ड बनाया है किस चीज़ में, मैक्सिमम रन्स बनाने में. ठीक है, बहुत ज़्यादा रन बनाया है इन्होंने टेस्ट इनिंग में. ठीक है, और ये सेकंड पर्सन है क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने कि 5000 रन से ज़्यादा बनाए हैं. सुशीला चानू इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम हु लीड द टीम इन रियो ओलंपिक. ठीक है, और सुशीला चानू जो है वो किससे जुड़ी हुई है, तो हॉकी से जुड़ी हुई है. ठीक है, और हॉकी में वो जो है कप्तान रह चुकी हैं, और उन्होंने रियो ओलंपिक में अपनी टीम को जो है लीड भी किया था, अपनी टीम का उन्होंने नेतृत्व किया था. ठीक है, अदिति चौहान फ्रॉम दिल्ली इज द गोल कीपर ऑफ इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब, और वो पहली महिला रही हैं जिन्होंने इंग्लिश क्लब के लिए खेला है. वो कहाँ से हैं अदिति चौहान, तो ये दिल्ली से हैं, ये गोलकीपर हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है ये. ठीक है, दीज आर मैनी स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम इन झारखंड ऑल्सो हु हैव एक्सेल्ड इन देयर स्पोर्ट्स. ठीक है, आप देखिए स्पेशली यहाँ पे झारखंड की खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है कि बहुत सारी झारखंड की भी खिलाड़ी है, जैसे कि पूर्णिमा महतो एंड दीपिका कुमारी फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियंस. ठीक है, पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एस आर्चर्स हु हैव वॉन मैनी मेडल्स फॉर द कंट्री. ठीक है, ये आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से रिलेटेड है पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी. ठीक है, और इन्होंने जो है मेडल्स भी हासिल किए हैं देश के लिए. ठीक है, उसके बाद की हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम झारखंड लाइक सुमेराय टेटे, निक्की प्रधान, कांति बा एंड मसीरा सुरीन हैव प्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप एंड आर इंस्पायरिंग यंगस्टर एट अलॉट. ठीक है, और ये जो सुमेराय टेटे, निक्की प्रधान, कांति बा, मसीरा सुरीन, ये लोग जो हैं किससे रिलेटेड है, तो ये लोग हॉकी प्लेयर है, झारखंड की हैं ये लोग. ठीक है, और इन्होंने अपने जीत से जो है अपने से छोटी लड़कियों जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया है, और ताकि वो लोग भी जो है अपनी जो है सक्सेस की कहानी लिख सके और सक्सेस पा सके, और ताकि वो लोग भी जो है सक्सेस पा सके और हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करा सके. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.